बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद आसिफ, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो बेसिकली क्वेश्चन एक आंसर पे है जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो वैसे तो जो मैंने जितने भी मुझे कोई लोग अप्रोच करते हैं थ्रू व्हाट्सएप के या थ्रू कमेंट्स के, उनको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक दफ़ा सारे मैंने कमेंट्स को स्कैन किया, उसमें जो क्वेश्चन के आंसर लोगों को क्लियर नहीं थे या जो रह गए हैं, ये लोग जो बार बार पूछते हैं, उनका आज मैं इकट्ठा किया है। तो इसको इंशाल्लाह एक करके आपका जवाब देंगे ताकि आपकी इसमें कुछ तसल्ली हो जाए। और जो लोग इसमें अभी कुछ नए हैं जो इस चैनल पे आ रहे हैं, जिनको बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उनके बारे में भी थोड़ा सा उनको एक तारीफ हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर कोई टाइम ज़ाया किए, हम लोग स्लाइड पर जाते हैं। ये स्लाइड हमने इस पर बनाई हुई, कुछ ये क्वेश्चन है जो हमने आप लिखे हुए हैं। उससे पहले माई इंट्रोडक्शन पर मैं कौन हूँ। मैं बेसिकली मैं कोई वो आप समझें कि एज दैट इज मैं कोई एन टी सी का कोई नानो मानता ना, एन टी सी का मैं कोई एम्प्लाई हूँ। बहुत सारे लोग समझते शायद मैं एन टी सी का एम्प्लाई हूँ, तो शायद मैं उनकी भी हाफ पे सर्विसेज दे रहा हूँ, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैं आप भी की तरह बी टेक ऑनर्स, और मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किया है। अभी आफ्टर रिटायरमेंट मैं अभी ऑनलाइन काम करता हूँ। तो जो मेरी स्किल्स हैं इंजीनियरिंग के रिलेटेड, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा गुजरा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस बेस पे मैं ऑनलाइन सर्विसेज, रिमोट सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरी वेबसाइट पे लिंक मैं दिया हुआ है नीचे, उस पर आप मेरी सर्विस देख सकते हैं। तो उसमें असल मुझे क्वेश्चन आया था कि आप अगर एन टी सी से यह काम करवा दें। अभी मैं एन टी सी में मैं नहीं जॉब करता ना, मैं एन टी सी कभी गया हूँ। एक दफ़ा मैं गया हूँ, जस्ट मैंने अपना सर्टिफिकेट टेस्ट करवाना था, उसकी मैं वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मेरा इसमें कोई नहीं है, मैं जस्ट एक आपकी तरह लेमैन हूँ। और मैं जो मेरा नॉलेज है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में, या जो मुझे समझ आती है इनकी वेबसाइट पे जाके के रिस्ट्रक्शन पे तो पढ़ के, वो मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। उस हवाले से इससे आगे मेरा कुछ भी नहीं है। मैं अपने नॉलेज के बेस पे जो मुझे रूल परमिट करता है उसके मुताबिक आपको सर्विसेज दे रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद पढ़ रहे HSC मोफर अटेस्टेशन। बहुत सारे लोग जो मुझसे, बस 30+ लोग अब तक जो मुझसे एक साल के अंदर जिन्होंने मुझसे HSC की अटेस्टेशन करवाई है, रजिस्ट्रेशन करवाई है। कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज, कुछ पाकिस्तान से भी हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने हर चीज़ मैंने ये अपने ये यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में डाली हुई, आप देख सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है और आप आसानी के साथ वो वीडियो फॉलो करके सारा प्रोसेस खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब इशू वो आता है कि जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, सिस्टम नहीं है, टाइम नहीं होता या कोई एक्सपर्टीज नहीं होती कंप्यूटर को इस्तेमाल करने की, होते हैं सारी उम्र फील्ड में गुजरी होती है, ठीक है। तो वो लोग जो होते हैं, प्लस जो लोग मुल्क से बाहर हैं, तो उनके लिए मेरी सर्विसेज हैं। मैं अपने चार्जेज सर बताया होगा, क्योंकि मैं चूँकि ऑनलाइन काम करता हूँ फुल टाइम, तो जब मैंने वो काम छोड़ के ये काम करना होता है तो मेरा फिर इसमें टाइम लगता है, तो उसी चीज़ में पैसे लेता हूँ। तो प्लस टाइम इज मनी, क्लियर, ठीक है। तो जितने भी चार्जेज होगा सबको पता है, वो मेरी वेबसाइट पर मौजूद है, मैंने आप ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। तो वो जिसको जो सर्विसेज लेनी है उस हिसाब से मुझसे रब्ता कर सकता है, उसको इंशाल्लाह वो मिले भी। मेरे पास दो केस चल रहे हैं, इंशाल्लाह कल वो क्लियर करने हैं। अच्छा, अगला कोर्स कुछ ना था टाइम ऑफ रिसीविंग कार्ड। ओके, इससे पहले कि HSC से मोफा से अटेस्टेशन के बारे में सवाल आता है कि सर आप हमें HSC से काम करवाते हैं, आप हमें HSC से भी आप ही करवा दें और मोफा से अटेस्टेशन भी आप ही करवा दें। तो बहुत सारे लोग हमसे वो करें इस बारे में मुझसे भी ये भी सवाल करते हैं। मैंने कहा तो यहाँ पर बात यह है कि जो HSC की जो अटेस्टेशन है मैंने करवाई थी अपनी 2019 में, और 20 में मैं अपनी डिग्री का टेस्ट करवा HSC से रजिस्ट्रेशन करवा ली थी। अब जो उसके बाद HSC का थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ, ज़्यादा नहीं चेंज हुआ होगा। उसमें ऑनलाइन पोर्टल पहले भी बना था, अभी भी बनेगा, तो उसके थ्रू आपने अप्लाई करना होता है। आगे दो ऑप्शन आते हैं कि आप बाई हैंड लेके जाना चाहें या आपने थ्रू कोरियर करवाना है, उस हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। तो वो थोड़ा सा चेंज, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं वो भी इकट्ठा खोलूँ, ठीक है। तो बेहतर है कि HSC के बारे में यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट मौजूद है, अपडेटेड कंटेंट, अच्छे लोगों को समझाया हुआ है, गाइड किया हुआ है, उनको आप फॉलो करें। वो इंशाल्लाह कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने पोर्टल बनाना है, पोर्टल बना के इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, मतलब जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है जस्ट लाइक HSC, आपने प्रिंट निकालना है और साथ साइन करके आपने ब्लॉग फीस के और डिग्रीज के आपने करीबी TC साफ को जमा करवा दें और वहीं से आपको मिल जाएगा। तो मुझे मेरे भी वैसे मिला था।
मुफा की बात है, मुफा में भी जो सिस्टम है या तो बंदा खुद जाए या अपने बंदे का ब्लड रिलेशन जाए तब वो करते हैं, अदरवाइज मुफा का है वो भी बेहतरीन तरीका एंटी थ्रू टीसीएस के, किसी वाले किसी आप करीबी तफसर चल जाएँ वो आपको गाइड करेंगे तो खुद आपको करवा के दे देंगे, कोई इशू नहीं है। इसमें जो लोग मुल्क से बाहर हैं उनके लिए थ्रू गैरी है, और जो लोग खुद बयान करवाना चाहें तो वो फिर वो उनको मुतलका पैसे में जाना पड़ता है। सब प्रोसीजर उनकी मुफा की वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो कि मैं एनटीसी के, असल में यूट्यूब जब मैंने शुरू किया उस टाइम कोई ऐसा कंटेंट था नहीं जो बंदा लोगों को गाइड करे, इसलिए मैंने शुरू किया था, तो घर मुझे यहाँ तक रहने दें। नेक्स्ट है जी टाइम ऑफ रिसीविंग कार्ड सर्टिफिकेट के, कितना टाइम लगता है। तो इसमें जो चीज़ है उससे निचला पॉइंट के साथ अटैच कर देते हो, इंटीमेशन ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस, कि हमें किस पता चलेगा कि एप्लीकेशन हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है, जो मैं डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करके ऑनलाइन पोर्टल, फिर हमने इसका जो चलान पे किया, फिर हमने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया और हमने सारे डॉक्यूमेंट लगा के ये फोटो कापियाँ ये सब हमने गाइड किया हुआ है, जब भिजवा देते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, और प्लस हमें कितने अरसे में वो सर्टिफिकेट ऑफ कार्ड मिल जाता है। तो इस बारे में ये है कि जब आपने सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया और डॉक्यूमेंट को कोरियर कर दिए, फोटो कापी से लाओ एप्लीकेशन फॉर्म बाकी जो चीज़ मिल जाए, हर मनुष्य किया हुआ आप हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो पहला स्टेप है, आपको एक ईमेल आएगा, जो आपको रजिस्टर्ड अपना ईमेल है उसके ऊपर आपका ईमेल आएगा कि आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट ये एनटीसी नंबर अलाट आपको कर दिया गया है, तो वो आपकी एक इंटीमेशन है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट है। अभी उनका सर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, और वो असल में जो टाइम स्टार्ट होता है उस ईमेल आने के बाद, ठीक है, वो ईमेल आपको 2 हफ्ते में आती है, वही महीने में आती है, इट डिपेंड्स। जब वो ईमेल आपको आ जाएगी क्या क्या पे आपकी एप्लीकेशन के अगेंस्ट ये एनटीसी नंबर है, देखिए ये फ़र्क होता है एप्लीकेशन नंबर और एनटीसी, तीसरा पॉइंट जो साथ वो भी शामिल कर रहा हूँ नीचे वाला, आपके एप्लीकेशन नंबर एनटीसी नंबर में फ़र्क होता है। एप्लीकेशन नंबर में ये होता है कि जब आपने पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन नंबर अलाट हो जाता है, वो भी एनटीसी नंबर ही होता है। तो वो जब अपना पूरा प्रोसेस करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में भिजवाते हैं फोटो कापियाँ, तो वो उसके जवाब में जब आपको एक एनटीसी नंबर अलाट होता है थ्रू ईमेल, असल में वो आपका एनटीसी नंबर है, वो ही आपका आगे सर्टिफिकेट पे भी लगेगा। तो वो इंटीमेशन है वो आपको पहले ईमेल के थ्रू आएगी, उसमें मे भी हफ्ता लगे 2 हफ्ते लगे, ये वर्क डिपेंड ऑन वर्कलोड के पास, ठीक है। उसके बाद जब वो आपको नंबर अलाट हो जाता है तो उसके बाद फिर जो टाइम है वो जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक का उसमें 2 हफ्ते से 1 माह तक, मतलब बहुत वर्कलोड कम हो तो 2 हफ्ते के अंदर आपको कार्ड मिल जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, और अगर वर्कलोड ज़्यादा हो तो 1 माह के अंदर, ये मेरा एक्सपीरियंस है। शुरू में तो बहुत टाइम, शुरू में मुझे 6 माह बाद मिला था, अभी तो बहुत बेहतर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है जी एप्लीकेशन, मैंने वो बता दिया नंबर एनटीसी नंबर का और रजिस्ट्रेशन ऑफ एनटीसी आफ्टर दिसंबर 2022, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग कहते हैं जी कि आप जो वेबसाइट पर ये डेट शोर्स के बाद कैसे लोगों को रजिस्ट्रेशन होगी। अब इसमें जो लोग इसके बाद जिन लोगों ने डिग्री मुकम्मल की है उनको तो डेफिनेटली वो करेंगे, क्योंकि ये तो उनके था जो 2018 से तक थे, उससे पहले थे उनके लिए ये डेडलाइन थी जैसे हम लोग थे। तो अभी उससे प्लस ये एक है कि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया था कि ये हम सर मिस हो गया, हम लेट हो गया, बताओ हम 2018 से पहले वाले के हैं तो हमारा क्या हो सकता है। तो मैंने उनका आप उनसे रब्ता करें, उनको बताएं सारी कहानी। तो वो जब मशवरा उनसे रबे तो उनको परमिट कर दिया था, कि उसकी प्ली ये थी कि उनकी ग्रेजुएट तो मुकम्मल थी लेकिन प्रोफेशनल के लिए 5 साल पूरे नहीं थे, तो वो कहते थे एक दफ़ा प्रोफेशनल के लिए 5 साल पूरे हो जाए तो फिर भी एक दफ़ा अप्लाई करें। तो उसमें ये टाइम गुजर गया था, वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मिल रहा है, बाकी जो शरारत हैं जो HSC अटेस्टेशन तो सब चीज़ें पूरी हैं तो वो बाकी चीज़ें वो कर रहे हैं। आप अप्लाई जिसका जिसको चीज़ें हैं मुकम्मल वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट है जी कि बैक साइड ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट। ये बहुत सारे लोग, जब मैं लोगों से डॉक्यूमेंट मांगता हूँ स्कैन कापीस, पहले बता दूँ कि जो लोग मुझे पिक्चर भेजते हैं काइंडली या पिक्चर साफ भेजा करें, तो आइडियली स्पीकिंग के मुझे स्कैन करवा के आप 50 रुपये लगेंगे आप किसी भी अच्छे फोटो कापी वाले से, वो स्कैन करके बेहतरीन दे देगा। तो वो स्कैन का यही होता है कि वो फ्रंट बैक से मुझे करवा के भेजें तो ताकि मैं उसका अच्छा प्रिंट ले सकूँ, फिर उसको मैं जहाँ पर टेस्ट करवाना होता है वो करवाना होता है, ताकि उसके बंदों को भी कॉन्फिडेंस हो। कुछ लोग कहते हैं कि डिग्री की तो जो बैक साइड समझ में आती है तो बाकी डिप्लोमा की या मैट्रिक की बैक साइड क्यों, तो इसलिए कि बहुत सारे डिप्लोमा बहुत सारे जो मैट्रिक होते हैं वो अटेस्ट होते हैं बोर्ड से
या उस इदारे से, तो एक टेस्टेशन हुई हो तो वो एक ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ फ्रंट को इतना पैसे नहीं लगते, ना ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप फ्रंट बैक से ही फोटो कापी करवा लिया करें, या मुझे भेज दिया तो स्कैन करके भेजें ताकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से सबमिट करवा सकूँ। नेक्स्ट पॉइंट है एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल, कि हाँ अगर कोई गलती किसी मिस्टेक हो जाती है ऑनलाइन पोर्टल के अंदर स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में, वल्दियत में, उसका क्या हल है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक आपकी एप्लीकेशन जनरेट नहीं होती चलान अपलोड होने तक, उस वक्त तक आपके पास चांस है तो एडिट कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली फिर उसके बाद कोई चांस नहीं होता। अब ऐसा केस मेरे पास एक ऐसा आया था, उस अपने भाई हैं गलती हुई था जिस तरह का, तो उसने अपने वल्दियत के नाम में मिस्टेक आ गई थी, तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म वो डाउनलोड कर चुके थे। तो मैंने फिर उनको यही मशवरा दिया कि आप इसको एडिटेज रहने दें, इसको साथ आप अपना एक नया कवर लेटर बनाएं, उनमें ही अपनी मिस्टेक अपनी हाईलाइट करके, मुझसे गलती होगी लेकिन मेरे आईडी कार्ड पे जो नाम वल्दियत तो वही आप सर्टिफिकेट पे लिखें, तो वो एक्सेप्ट हो गई थी, उसके मुताबिक उसका कार्ड बन गया, तो वो इतना इशू नहीं है। अभी तक इस जो सिनेरियो उसके अंदर आप एडिट नहीं कर सकते अपने पोर्टल को, जब आपने फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर दी उसके, उसको पहले वो कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीटेटेड इंस्टीट्यूट बाई NTC के, NTC के जो एग्रीटेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसके बारे में NTC की वेबसाइट पे लिस्ट मौजूद है कि जो ये वो है कि जो 18 के बाद जिनके डिग्रियाँ एक्सेप्ट NTC कर रहा है, अदरवाइज जिनको नहीं है तो वो अभी डिग्री प्रोग्राम बंद हो चुके हैं जो हमारी नॉलेज है। जैसे मैंने प्रेसिडेंट इस्लामाबाद से लास्ट टाइम किया था, मैं डेटा पार्टनर्स जब मैं उनसे वेरीफिकेशन के लिए गया वहाँ पर साइन के लिए, तो उस टाइम पता चला वहाँ पर कोई भी प्रोग्राम नहीं चल रहा, सिर्फ ऑफिस वाले बैठे हुए हैं हम लोग जैसे लोगों को डील करने के लिए। तो बेहतर यह है कि आप जिन लोगों का नया एडमिशन लेना है या जो लोग ऑलरेडी हैं तो वो अपनी जो यूनिवर्सिटी की या इदारे की लिस्ट में नाम चल रहे चेक करें, फिर वहाँ से डिग्री करें। हम भी ऐसे हमारे तो पैसे तब भी ऐसे करते थे। अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम अब्रॉड, मुल्क से बाहर कैसे लोग अप्लाई करें ऑनलाइन अप्लाई, जैसे हम लोग करते हैं ऐसे वो कर सकते हैं, सब मेरी वीडियो मौजूद है। उसके बाद वो अपना जो चलान है वो अपने किसी अजीज़ को भिजवाएं पाकिस्तान के अंदर, वो उस चलान की प्रिंट निकाल के किसी अस्थरी बैंक में जमा कराएगा फीस, वो उसकी जो पेड चलान की पिक्चर उसको भेजा है वो पिक्चर को अपलोड करेगा तो एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा, वो दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करके अपने अजीज़ को भिजवाएं, वो उसको प्रिंट निकालेगा, सारा डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने ऑलरेडी मैंशन की हुई है वीडियोज़ के अंदर, वो लगाएं और टेस्ट करवा के किसी गवर्नमेंट अफसर से कुरियर कर दें। बड़ा आसान तरीका है। अपलोडिंग एरर्स के, कुछ लोगों के अपलोड में एरर आते हैं, तो वो ऑलरेडी मैंने कई वीडियो बता चुका हूँ कि 200 किलो बाइट का फाइल का साइज है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर होगा तो वो अपलोड नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं 200 किलो बाइट अंदर होता फिर भी नहीं करता, फिर वो अपना आपका जो सफाई होने वाली आपके ब्राउज़र की वो आप कुकीज़ वगैरह वाश करें, हिस्ट्री वाश करें, तब वो काम हो जाता है, कोई इशू नहीं। और वो फिर मसला आता है तो बेहतरीन टाइम है सुबह फजर पढ़ के, ठीक है वैसे भी उस टाइम में बरकत होती है, उस टाइम लोग सोए होते हैं, मैक्सिमम नेट आपका फुल स्पीड में चल रहा होता है, लोड कम होता है, तो उसमें ये सारे काम हो जाते हैं मेरा एक्सपीरियंस। लास्ट पॉइंट है डिग्रीज ऑफ प्रेस्टन यूनिवर्सिटी पिमसैट का क्या फीचर है, तो जो ऑलरेडी मैं वीडियो सुना चुका हूँ कि प्रेस्टन पिमसैट के ऊपर जिन्होंने 2016 आई थिंक डेट है उससे पहले वालों पर उन्होंने दोबारा टेस्टेशन का कहा गया है, सिर्फ फोटो कापी नॉट ओरिजिनल, ठीक है तो वो आप करवा लें, जब जिन्होंने नहीं करवाई हुई NTC के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी, वीडियो मेरी ऑलरेडी इस प्ले लिस्ट में मौजूद है कि वो किस तरह करवानी है, सब इस पर मैं कर चुका जब वो बात काफ़ी, तो काफ़ी लंबी वीडियो हुई है। तो ये था आज की वीडियो, तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये जो क्वेश्चन आंसर है, मकसद ये है कि जो लोग नए हैं, जो लोग कमेंट्स नहीं पढ़ते या जो लोग व्हाट्सएप पर रिप्लाई किसी से नहीं जा सका, सारे मैंने क्वेश्चन जब तक मेरे नाले में से मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई क्यूरी है, कोई एम्बिग्यूटी है, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। कोई भी आपको मेरी सर्विसेज के ऊपर रिक्वायर्ड है, मेरी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे भी दे दूँगा और मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, वहाँ से आप जाके किसी आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो वहाँ से भी सारा प्रोसीजर मैं बता रखा है स्टेप बाई स्टेप, जो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है, इसमें सब मैंने उसमें गाइड किया हुआ है। किसी को मेरी आवाज़ से मसला है, कोई साउंड से इशू होता है, उनके लिए भी यही है कि आप वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप चीज़ लिखी हुई है वहाँ से भी आप पूरी मालूम ले सकते हैं। कोई भी इशू हो तो आप मुझे वॉइस मैसेज करके व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। दो में याद रखिएगा।